जी सर, वो लॉन्चिंग जो आप लोगों की हुई उसमें एक इशू आया था कि आप लोगों ने एक न्यूज़ चैनल की लॉन्चिंग रैम्प और कैटवाक के जरिए करा, जो कि कंट्रास्ट है, लोगों को समझ में नहीं आता है कंटेंट के लोगों को कि कैसे किया जा सकता है, नहीं इसके पीछे क्या देखिए कॉन्सेप्ट था? देखिए, रैंप और कैटवॉक का एक नाम ज़रूर है कि रैंप और कैटवॉक को आपने ज़रूर समझा और उसको आपने जिस रूप में भी देखा हो, लेकिन जो हमारा विजन था वो ये था कि हमारी टीम बहुत यंग टीम थी और हम बहुत ही टैलेंटेड लोगों के साथ अपना चैनल स्टार्ट कर रहे थे। हमने कोई बड़े नाम अपने साथ नहीं लगाए थे और मीडिया के बहुत से साथी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थे। मेरे ख्याल से काफ़ी 150-200 मीडिया सहकर्मी हमारे साथ थे और हम ये चाहते थे कि हमारी जो भी टीम हो उसको उनके सामने हम एक बार लाएं। ठीक है, जहाँ तक रैंप और कैटवॉक का जो सिस्टम होता है वो उसमें जिस तरह के कपड़ों का एक प्रचलन होता है या जो भी हो, अगर आपने देखा हो तो ये मेरा बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि उनको लाया जाए, एक भारतीय म्यूजिक पे लाया जाए। दूसरी चीज़, उनके जो परिधान हो वो भारतीय हों और इसीलिए मोस्टली साड़ियों का इस्तेमाल भी किया गया था और जो पुरुष भी थे उनको भी प्रॉपर एक सूट में हमने वो किया था कि एज ए प्रेजेंट न्यूज़ रीडर ऑल्सो। और जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ का सवाल था उसमें भी जो हमारी एक ही मॉडल आई थी वो भी एक न्यूज़ रीडर के उसमें आई थी। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम अपने मीडिया सहकर्मियों के सामने अपनी जो यंग टीम है, और यंग टीम चूंकि आप खुद यंग हैं तो आप समझ सकते हैं कि यंग जो बच्चे आ रहे हैं मास मीडिया से या कहीं से, उनका जो आज के दिन एक डेवलपमेंट है वो मॉडर्न भी है, तो उनको एक मोटिवेशन लेवल उससे मिला कि वो सबके सामने पहले उससे ही आए, उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया कि हाँ हम इस चैनल के लिए काम कर रहे हैं और हम इस चैनल को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, और उनको उससे एक मोटिवेशन मिला। इनफैक्ट मुझे बाद में मीडिया सहकर्मियों से कुछ लोगों से बहुत उसकी वो भी मिली, कुछ लोगों से वो मिला, लेकिन अपने जो टीम थी उनसे मुझे एक मोटिवेशन, एक इनकरेजमेंट उनका मिला क्योंकि वो इनकरेज हुए। और वो मैं देख रहा हूँ उनकी कार्य प्रणाली में भी देख रहा हूँ, उनके कार के डेवलपमेंट में भी देख रहा हूँ कि उनको ये महसूस होता है कि हम एज ए मैनेजमेंट हम अपने जो भी यंग जनरेशन के भी बच्चे हैं या जो हैं उनको हम समक्ष, वर्ल्ड के समक्ष लाना चाहते हैं, उनको दबा के नहीं रखना चाहते कि काम कोई करे और हम सामने आए। तो हमारी कोशिश ये थी और मैं पूरी उनके आप लोगों की भावनाओं को बिल्कुल आदर देता हूँ कि अगर आप लोगों ने ऐसा सोचा कि इसमें कोई ऐसी ही थी तो उसका मैं बिल्कुल आदर करता हूँ कि देखिए वो तो एक थिंकिंग है जो कि मुझे पाश्चात्य को इस उस पर नहीं चलने का मन था, ये सिर्फ एक सोच थी और मेरी अभी भी यही कोशिश है कि मैं पूरी अपनी जितनी भी है सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम लोग अपने चैनल को आगे बढ़ाएं। ये हमारी सोच है।